आज हम लोग द गोल्ड वॉच चैप्टर का पार्ट टू जो इंटरमीडिएट लेसन वन चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपने देखा था शंकु लेटे लेटे बहुत सा प्लान बनाया कि उसे घड़ी चुराना है। अब देखिए आगे वो नेक्स्ट डे चुरा पाता है कि नहीं। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। वट आर यू स्टिल स्लीप, तुम अब भी सोते रहोगे? शंकूज वाइफ सेट जेंटली सेकिंग हिज शोल्डर, शंकु की पत्नी ने उसी हल्के से कंधे को लाते हुए पूछा। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूरज को निकले हुए काफ़ी समय हो गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने अपना तुरंत सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी छोटे बच्चों को उठाने लगी। हु वॉज क्रोलिंग अप टू हर, जो उसकी ओर रेंगता हुआ आ रहा था। एंड आज शंकु, और शंकु से कहा, डू नॉट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? ओह यस जाना है, ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से बाहर आ गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन हरी, उसने जल्दी से आंगन की ओर कदम बढ़ाए। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की वह सुनहरी किरणों को देख रहा था। पियर्सिंग द लेस बेम्बो, जो छन कर घने बांस से आ रही थी, फुलिज मैंने पत्तियों से। ऑन द ईस्टर्न साइड, पूरा प्योर से। एंड ब्राइटनिंग ऑफ द ओल्ड पॉम लीव्स थैट्स, और चमका रही थी पुराने ताड़ की बनी पत्तियों के छप्पर को। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा धोया। एंड हैंड्स, मैंने हाथ धोया, इस विचुअल रोज की तरह। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ, अपने कपड़े काम पे जाने वाले कपड़े पहने। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर फैक्ट्री, और फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। वेन हिज वाइफ सेड, जब उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू बाई मस्ट बाई सम अपॉइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम बच्चे के लिए अवश्य कुछ मलहम खरीद लेना। सी थ्री अ कमांडिंग लुक एट हिम, उसने उसकी ओर आज्ञा देने वाले नज़रों से देखा। शंकु फील डैट, शंकु महसूस कर रहा था। ईच ऑफ द सोर सोर, मैंने घाव ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी, बच्चे के उभरे हुए शरीर के बाद स्टेयरिंग एट हिम, वो उसे घूर रहे हों अग्रोजम वे माने भयानक तरीके से। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक क्षण चुप्पी में बीत गया। वॉट सॉर्ट अपॉइंटमेंट, किस प्रकार का मलहम लाना है? शंकु आज लाइक ए फूल, शंकु ने मूर्ख तो ही तरह पूछा। अपॉइंटमेंट फॉर द सोर, घाव के लिए मलहम लाना है, कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने रात जारी रखी। यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू हैव नॉट सीन द सोर ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तुमने बच्चों के ऊपर फोड़ों को शरीर पर नहीं देखा है? यस हाँ देखा है। हाउ मेनी पैसे वर्थ अपॉइंटमेंट, कितने का मलहम मिलेगा? एट लीस्ट 30 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे का मिलेगा। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एट लीस्ट, कम से कम इसे हम 3 दिन तक लगाएंगे। शंकु बिगन टू वॉक विद बेंट हेड, शंकु सर झुका के वहाँ से चला गया। प्लीज़ सुनो, सी कॉल्ड आउट इन द सॉफ्ट वॉइस, उसने धीमी आवाज़ में कहा। शंकु लुक बैक, शंकु पीछे देखने लगा। सी स्पोक जेंटली, उसने धीरे से कहा, प्लीज़ ब्रिंग टू राइप बनानास, कृपया को 2 पके हुए बनाने ले आना, केला ले आना। वेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब शाम को लौट के आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात में रोना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास दूध नहीं उसे देने के लिए। सी स्टूड देयर पुलिंग अप देयर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, वह वहीं पर अपने बाएँ हाथ से अपने ब्लाउज को सुधारते हुए खड़ी रही। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्जिंग आउट, तब शंकु ने उसके पेट को उभरा हुआ देखा। वाज येट अनदर बर्डन ऑन हिम ऑन द वे, क्या एक और बोझ आने वाला है मेरे ऊपर? शंकु वाज स्टैंड, शंकु भौचक्का था। ही क्रश्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा। एंड विथ ए डीप साई, गहरी सांस लेकर, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू फैक्ट्री, वह फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। लिसन, सुनो, डो नॉट फॉरगेट, भूल मत जाना, द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु नॉडेड हिज हेड, शंकु ने सहमति अपना सिर हिलाया एंड वॉकडाउन वहाँ से चला गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे घंटी इंटरवल के लिए बजी। एवरी वन रेस्ट हेस्ट इन होप्स, हर व्यक्ति जल्दी से घर जाने लगा, होटल की ओर जाने लगे, टी शॉप्स के लिए, फॉर लंच में लंच के लिए। शंकु वॉज ओनली वन, शंकु केवल एक व्यक्ति था। हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर, ही स्टूड मैंने खड़ा रहा, लीनिंग मैंने झुका हुआ, अगेंस्ट मैंने सहारे, पिलर मैंने पिलर के, इन कॉर्नर मैंने कोने पर, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिम ओर। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। एंड ब्रेस्टिंग विथ इम्पेशंस, अधीरता से भरा हुआ था। अब फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ और मिनट बीते। द इंजीनियर, जो इंजीनियर था, एक शॉर्ट, एक नाटा, फैट मोटा इंग्लिश मैन था, विथ कैट लाइक आईज, जिसकी बिल्ली जैसी आँखें थी। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, जो संगमरमर की तरह दिखाई देता था। गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आया, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया, लेफ्ट हैंड चला गया। एज यूजुअल रोज की तरह, देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रेस्ट, उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फील कूल विथ रिलीफ, शंकु का हृदय राहत से ठंडा महसूस किया। अ फ्यू मोर मोमेंट पास्ट, कुछ और मिनट बीते।
शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा, देयर वॉज नोबडी इनसाइट, उसे कोई नज़र नहीं आया। ही वॉक टूवर्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की ओर टहल के गया। द ग्लास विंडो, शीशे की खिड़की, एज यूजुअल मैंने रोज की तरह, वॉज ओनली पार्सली क्लोज, जो थोड़ा सा बंद थी। द गोल्ड वॉच ऑन द टेबल, सोने की घड़ी टेबल पर रखी हुई थी। हार्ट ग्लिटर्ड, वो कितना चमक रही थी। हिज हार्ट बीट गॉट फास्टर, उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, अंग्रेज व्यक्ति लंच के बाद लौट के आएगा। एंड हिज सिस्टा ओनली फॉर 4 o'clock, और उसका आराम जो दोपहर का आराम होता है, सिस्टा होता है, वो 4 बजे तक चलता है। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर था। देर वॉज नो बडी अराउंड, उसके चारों ओर कोई नहीं था। 1, 2, 3, 6 or 7 minutes passed, 1, 2, 3, 6, 7 minutes बीत गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, मान लो कोई मुझे देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि पिछले कई दिनों से फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय उसके सामने आ जाता था। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ और कदम आगे बढ़ाए। लुक अराउंड, चारों देखा, बट सा नो वन, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। प्रॉम्प्टेड, मैंने प्रेरित होकर अगेन, मैंने पुनः, हिज अर्जेंट नीड्स, मैंने बाई अर्जेंट नीड, मैंने अपनी तुरंत की ज़रूरतों से, ही वॉक टूवर्ड द रूम, वह आप कमरे की ओर गया। वंस अगेन ही लुक अराउंड, उसने एक बार चारों ओर देखा, नोबडी वाज देयर, कोई नहीं था। अ सडन मैंने कभी पास्ट मैंने गुजर गई थ्रू हिज वेंस, मैंने उसकी नसों से। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय धड़कने लगा। 1 second पास्ट, 1 second और बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया। एंड गोल्ड वॉच इन इट, और सोने घड़ी उसी में आ गई। नर्वसली हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, परेशानी से उसकी आंखों ने बस चारों नजर डाली। नो वन वाज देयर एट ऑल, वहाँ कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग, मैंने कांपते हुए पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने अपनी पैंट की जेब में घड़ी को रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपनी सांस रोकी। एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन द हेस्ट, वहाँ से जल्दी से चला गया। आफ्टर फ्यू अबाउट 10 steps, 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग अलोंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, तब उसने देखा कि कोई पूरब के गलियारे से आ रहा है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे।